राजनीति में कौन कब किस पार्टी या नेता पर हमला बोल दे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक दूसरे पर बयानबाजी करना, इसी को तो राजनीति कहते हैं। अक्सर नेता खबरों में बने रहने के लिए किसी न किसी को लेकर बयान देते ही रहते हैं, जो राजनीति का पहला उसूल भी है। लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है जब एक नेता अपनी ही पार्टी के अंदर रहते हुए दूसरे पर बयान देता है, जिससे बाकी नेताओं को यानी दूसरी पार्टी वाले नेताओं को बोलने का मौका मिल जाता है। और यही हो रहा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। पहले उन पर ओपी राजभर ने निशाना साधा और अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से जो निकलने की जरूरत है उन्हें, क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं, जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तब से समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पहले तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया और अब उनकी ही पार्टी के बड़े नेता यानी कि आजम खान ने उन पर सीधे बयानबाजी कर दी है। पहले तो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलने की सलाह दे दी थी, अब इसी मुद्दे पर सीनियर नेता आजम खान ने भी अखिलेश यादव पर बयान देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा, जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन सलाह जरूर देंगे। बता दें कि मंगलवार को आजम खान प्रयागराज गए थे, यहां पर उन्होंने अपने कई करीबी नेताओं से मुलाकात की और इसी दौरान मीडिया से मुखातिब भी हुए। पहले तो उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाने लगाते हुए कहा कि हम बाइज्जत शहरी नहीं हैं और आपका ये शहर बाइज्जत शहर है। इसके बाद जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा है, जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन सलाह जरूर देंगे। जाहिर है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐसा ही कहा था। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा था कि वो एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच में पहुंचे, उसके बाद ही जनता उनको समर्थन देगी। जब ऐसी बयानबाजी सामने आती है तो इससे साफ नजर आता है कि सपा के अंदर कितनी दूरियां हैं। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि अब ये दूरियां कम हो पाएंगी या फिर और बढ़ेंगी, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है तब से उनके सहयोगी पार्टियां ऐसी ही बयानबाजी कर रही हैं और अखिलेश यादव को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है। अभी तक बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखें वन इंडिया।